व्लॉग चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसका आपको बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे देखने को व्लॉग्स मिलेंगे। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, और आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। एंड वी आर बैक विद ओल्ड इज गोल्ड। और थोड़ा सा टाइम लग गया, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए इतने ज्यादा कि यार ओल्ड इज गोल्ड बंद कर दिया है, क्यों नहीं आ रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ओल्ड इज गोल्ड पे जो हमें प्यार मिल रहा है और हमें जो मजा आता है वो और बात है कि हमें इतना मजा आता है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। असल में बीच में बहुत ऊपर नीचे न्यू ट्रेलर्स भी आए थे, हमें वो भी तो देखने पड़े। ये है कि एक रिएक्शन चैनल है तो उसमें लेटेस्ट जो भी चीज आती है उसको फर्स्ट करना पड़ता है। सो ये है कि अपने टाइम शायद लास्ट वीक नहीं आ पाया ओल्ड इज गोल्ड, बट आता रहेगा, हर हफ्ते आएगा। प्लीज उदास होना हो, जो नाराज होते हैं नाराज ना हो। हाँ, तो आज का जो गाना है आपने थंबनेल भी देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग बरसात के मौसम में फ्रॉम द फिल्म नाजायज, और नसीरुद्दीन शाह माय फेवरेट, अजय देवगन, कुमार सानू, रूप कुमार राठौड़ की आवाज है। और यार कमाल का गाना है, कमाल के बोल हैं और कमाल के एक्सप्रेशंस होने वाले हैं। सो मूवी जो है नाजायज है और 1995 की फिल्म है। तो इसको देख लेते हैं। देखने के बाद बेगम ने नहीं सुना हुआ, मैंने बहुत बार सुना हुआ है, तो इसकी भी हम इससे भी पूछेंगे इसको कैसा लगा, और मैं भी आपको बताऊंगा कि कितना मजा आया है, और फिर जो है ना काफी सारी डिस्कशन भी करेंगे। So stay with us. माल के एक्टर हैं नसीरुद्दीन शाह। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, हरी बरसात में पी लेने दो। बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। वो घर ले गए? नहीं, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में, एक होटल में। नहीं, गाना याद आ रहा है। हाँ। हो गया। मैं
मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है, मुझे टुकड़ों में नहीं जीना है, कतरा कतरा तो नहीं पीना है। ओ आज पैमाने हटा दो यारो, हाँ सारा मैं खाना पिला दो यारो, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, मैं कदों में तो पिया करता हूँ, चलती राहों में भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी भर साथ में पी लेने दो। ये इनकी वाइफ है और देख रहे हैं साथ नहीं रहते ना किसी वजह से। अच्छा, वाइफ को तो पता है कि ये है लेकिन बेटे को नहीं पता ये बाप है। कह रहे ना बता, अभी तक प्यार करते हैं। आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है, आज की शाम बड़ी बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है। ओ आज की शाम ढलेगी कैसे, आज की रात कटेगी कैसे, आग से आग बुझेगी दिल की, आग से आग बुझेगी दिल की, मुझे ये आग भी पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो, अभी जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। के जी तो मतलब बेहतरीन गाना, बेहतरीन आवाज़ और वो दर्द जो है ना वो महसूस कर सकते हैं। बेसिकली ये गाना सिर्फ शराब पे नहीं है, ये बेसिकली नसीर दिल का हाल बता रहे हैं। तो नसीरुद्दीन शाह जिस तरह के सिचुएशन है कि मुझे टुकड़ों में नहीं जीना, हाँ मंदिर में बांट के वो कपड़े वगैरह जा रहे होते हैं, तो एक ग्रुप रोड पे बैठा वहाँ गाना शुरू करता है और उनको बड़ा अच्छा लगता है और वो ज्वाइन करते हैं। और ये खुद भी बड़े एक मूवी मुझे धुंधली धुंधली याद है, मैं बहुत छोटा होते हुए देखी थी, तो ये खुद भी बड़े दुखी होते हैं, गमगीन होते हैं और इन्होंने भी वो गाना शुरू कर दिया। एक वो लाइन थी ना कि मुझे टुकड़ों में नहीं जीना, अब वो बड़ी गहरी लाइन है, कतरा कतरा तो नहीं पीना, हाँ कतरा कतरा तो, तो ये अब सिर्फ शराब की बात नहीं हो रही, ओवरऑल जिंदगी की बात हो रही। आज की रात बहुत बोझल है, आज की रात बड़ी कातिल है, और कैसे आग से आग जब बुझेगी। हाँ, और अजय देवगन मुझे, अगर मैं सच कह रहा हूँ जितना मुझे याद आ रहा है कि पुलिस में होते हैं और इनको गुंडा समझते हैं, क्या समझते हैं, और इनकी सेपरेशन किसी वजह से वाइफ से हुई होती है, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी नहीं याद। एंड में जिस तरह वो आते हैं सिर्फ अपने बेटे की एक झलक देखने के लिए, और जिस तरह पैरों में पड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि हाथ पकड़ना होता है अपने बेटे का, तो हाथ पकड़ते हैं, तो वो एक बड़ा इमोशनल सीन, हाँ दोनों रो रहे हैं। तो गाना बहुत प्यारा है, आवाज बहुत प्यारी है, कुमार सानू और रूप कुमार राठौड़, हाँ तो मतलब दिल में उतरते हैं। और देखिए पिक्चराइज देखें, इंडिया की सिर्फ सड़कों पे हुआ है लेकिन बुरा नहीं लग रहा देखने में, क्योंकि सब नेचुरल है और आजकल आर्टिफिशियल हो गया सब कुछ, तो बहुत मजा आता है। इनके फ्रेंड इनके साथ होते हैं, हाँ जो एक फ्रेंड है उनका नाम मेरे ज़हन से निकला, बहुत फिल्मों में विलन भी आते थे, वो अच्छे रोल्स भी करते थे, तो इसमें उनके फ्रेंड है, वो इसमें फ्रेंड है। तो ये है कि बेहतरीन, आप बताएं आपकी क्या यादें ताज़ा हुई हैं और कुछ इस
गाने के हवाले से ऐड करना चाहते हैं मूवी के हवाले से? मैं जब कहते ना मैंने गाना फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे जब ये होटल वाला सीन याद आया तो मुझे लगा कि कहीं मैंने सुना है ये गाना, उस तरह प्रॉपर नहीं सुना लेकिन कहीं शायद आ गया सामने। तो ये गाना मैं छोटा होते क्योंकि मेरे फादर को बहुत शौक गानों का मूवीज का, तो वो सुनते थे इस सॉन्ग को, तो ज़ाहिर है बच्चे पास पास हों तो वो भी सुनते हैं, उनका टेस्ट उसी तरह डेवलप होता है, तो मुझे भी इस तरह गानों का बहुत शौक हुआ पुराने गानों का। तो बेहतरीन है यार, मैंने कहा चले आज इसको हम लोग देखते हैं। बाकी आप लोगों की सजेशंस आर मोर देन वेलकम, आप सजेस्ट कर सकते हैं हमें, और ये रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट फोटो अपडेट्स के लिए। हम ढेर सारे और रिएक्शन लेके आएंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।